हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बाबा। जैसे कि अपन ने बाबा सीरीज लॉन्च की थी और पिछला लेक्चर जो पहला लेक्चर काफ़ी अच्छा ही रिस्पॉन्स रहा आप सब लोगों का, थैंक्स फॉर दैट। और कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ सजेशन दिया कीजिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपको अच्छा लेक्चर लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कीजिए, और जिनको भी ज़रूरत है उनको भी शेयर किया कीजिए। तो हालांकि अपन ने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुरू किया था, उसके बारे में बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी और मैंने आपको प्रॉमिस किया था बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक चीज़ें हुई थी, इस बार अपन देखेंगे उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स, जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है, और उस फ्लक्स को प्रॉब्लम में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो अपन ने जो बेसिक चीज़ें पिछले लेक्चर में देखी थी उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे कि भाई रिविजन करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे की चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी। नहीं तो फ्लक्स, पिछले बार मैंने बताया था, व्हाट इज फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर्टिकुलर एरिया, राइट। और फ्लक्स का मैंने डेफिनेशन बताया था कि भाई वो रहता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। व्हाट इज ई, इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी पिछले लेक्चर में, क्या क्या फ्लक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। दूसरा, वो एरिया के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता था। और तीसरी बात, उनके बीच में का एंगल, दैट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, इन तीनों चीज़ों के ऊपर फ्लक्स डिपेंड करता है। तो उसी पे बेस्ड अपन कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। इजी वाले न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, लेकिन इसके पहले एक कंसेप्ट अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं यह है एरिया और यहाँ पे ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है, ठीक है। अब मुझे इसमें से फ्लक्स मेजर करना है। तो आप अगर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में रहती है उसी डायरेक्शन में क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे अगर देखोगे एरिया का, जो मैंने पिछली बार बताया था कि भाई अगर ओपन सरफेस है तो क्या रहेगा, क्लोज सरफेस है तो क्या रहेगा, तो यहाँ पे ये वाला सरफेस कौन सा है, ओपन सरफेस। तो ओपन सरफेस के लिए मैंने बताया था, अगर ओपन सरफेस है तो एरिया आप आइदर साइड ले लीजिए, वहाँ पे परपेंडिकुलर डालिए, तो एरिया आप इस साइड भी ले सकते हो या फिर इस साइड भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे जब मैं एरिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे आ रही है, तो जब एंटर करते वक्त एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब आप फ्लक्स निकालोगे, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट रहती है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, ठीक है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और यहां पे ए बचेगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा। तो यहां पे मैं अगर जो फ्लक्स अंदर आ रहा है ये निकालने की कोशिश करूं, तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे जब मैं फ्लक्स निकालने की कोशिश करूंगा तो ये क्या रहेगा, ई इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, ई ए कॉस थीटा, एंड थीटा इज 180 डिग्री। तो व्हाट इज कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 की डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू क्या रहती है, -1। कैसे निकालोगे, आपको पता है कॉस 180 कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 90 प्लस 90, विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है, निगेटिव, और 90 पे कॉस का क्या बन जाता है, साइन, तो -sin 90। तो यहाँ पे sin 90 की वैल्यू क्या रहती है, 1, तो -1 आएगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी माइनस ई ए आएगा, So, आता हुआ फ्लक्स क्या है, माइनस ई है। अगर मैं जाते हुए फ्लक्स की बात करूं, जैसे कि मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे कंटिन्यूएशन में ऐसी जाएगी, तो यहां पे अगर देखोगे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया में कितने का एंगल है, ठीक है, यहां पे अगर देखोगे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में क्या एंगल कितना हुआ, 0। तो यहां पे जो जाता हुआ फ्लक्स है, अगर मैं जो जा रहा है फ्लक्स उसकी बात करूं, सो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सो ये रहेगा ई ए कॉस 0, एंड कॉस 0 की वैल्यू आपको पता है क्या रहता है, 1।
तो अगर देखोगे आप अच्छे से, जो अंदर आने वाला फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ रही है माइनस ई ए, और जो बाहर जाने वाला फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या आ रही है ई ए। इसका मतलब क्या हुआ, अंदर आने वाला फ्लक्स क्या रहेगा हमेशा निगेटिव, और बाहर जाने वाला फ्लक्स क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। सो फ्लक्स कमिंग इनसाइड द सरफेस क्या लोगे आप, निगेटिव। हमेशा याद रखना, आने वाला फ्लक्स निगेटिव और जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव। फ्लक्स कमिंग आउटसाइड द सरफेस इज टेकन एज पॉजिटिव। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो आने वाला फ्लक्स मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस में आ रही है तो वो फ्लक्स अपन लेंगे पॉजिटिव, और जाने वाला फ्लक्स क्या लेंगे निगेटिव। उसमें से कोई भी एक फ्लक्स आप ले सकते हो। ठीक है, ओपन सरफेस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो तो इसी पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं आपको। सपोज यहां पे एक सर्कल लेता हूं मैं, जस्ट वेट, एक सर्कुलर प्लेट मान लेते हैं ना, मैं 3D में दिखा रहा हूँ सर्कुलर प्लेट, और ये है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ऐसी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही है, इस डायरेक्शन में, इस ई वेक्टर। और लेट अस सपोज एरिया ऑफ दिस सर्कुलर प्लेट इज ए, इट माइट बी ए रिंग, इट माइट बी ए डिस्क, कुछ भी हो सकता है। अब आपको बताना है, एंड सपोज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विथ वर्टिकल। कितने का एंगल बना रही है वो, 37। तो आपको बताना है फ्लक्स कितना आ रहा है, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया को क्रॉस कर रही है। कैसे निकालोगे, हालांकि उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अपन लेंगे कॉन्स्टेंट, और जब कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, हमेशा याद रखिएगा वेन एवर देर इज ए कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स क्या लिखोगे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो फ्लक्स क्या आएगा यहां पे, फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्या रहेगा, ई ए कॉस थीटा। अगर आप अच्छे से देखोगे यहां पे जो फ्लक्स आ रहा है, ई तो ई रहेगा, ए तो एरिया रहेगा। अब ई और ए में कितने का एंगल है वो इंपॉर्टेंट है यहां पे। ये है ओपन सरफेस, तो यहां पे ओपन सरफेस में मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आइदर साइड में आपको एरिया की डायरेक्शन लेना है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी रहेगी। तो अगर आप देखोगे यहां पे, इसको मैं अगर एक्सटेंड करूंगा, या फिर आप ऐसा करो, है ना, ज्यादा आसान कर लेते इसको, जैसे कि नीचे वाला डायरेक्शन लेते हैं ना, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो आप एरिया का, नीचे वाला, एक तो ऊपर ले सकते हो या फिर नीचे। तो नीचे परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, है ना, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है, तो वेक्टर को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये 37, तो ये भी कितना रहेगा, 37 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर में कितने का एंगल हो गया, वो हो गया 37 डिग्री का। तो ये आएगा फाइव इक्वल टू ई ए कॉस 37, सो फाइव विल बी इक्वल टू ई इंटू ए कॉस 37 इज वॉट, इट इज इक्वल टू 4/5। सो यहां पे आंसर आएगा 4/5 ई इंटू ए। अब क्वेश्चन को घुमाना है तो कैसे घुमा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू दे दी, मान लेते आपको बताया गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 न्यूटन पर कूलम, एरिया दे दिया 2 मीटर स्क्वायर, राइट, या फिर इसका रेडियस दिया जा सकता है, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर एरिया आएगा, बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। आपको कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। और क्या घुमा सकते हैं, 37 की जगह 45 दे दिया, 45 की जगह 53 दे दिया, क्या आप कर सकते हो, जरूर कर सकते हो, यस और नो। हाँ अच्छा, कभी कभी घुमाने के लिए क्वेश्चंस कैसे घुमाया जाता है देखो, है ना, बच्चों को जैसे कि मान लेते ये प्लेन है, और इसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, और इसका कुछ एंगल दे दिया, और आपको पूछा जाएगा फ्लक्स कितना है। अब हालांकि यही प्लेन है और इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर जा रही है, तो इस प्लेन को क्या हो गई, ये पैरेलल हो गई, और इस प्लेन को एरिया वेक्टर कैसा आएगा, परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इवन दो ये एंगल दे दिया, तो इसमें इसके चक्कर में आना नहीं है आपको,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, ये एंगल एरिया के साथ नहीं दिया है बेटा, एरिया तो ऐसा रहेगा, एरिया के साथ ये वाली लाइंस कितने का एंगल बना रही है 90 डिग्री का, तो वहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा, ए कॉस 90 दैट विल बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे नॉर्मली बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसमें फर्क है, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन लेते हैं तड़कता भड़कता। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर मैं ठीक है एक लाइन लेता हूं, सपोज दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक ब्लॉक ले रहा हूं, देखिए कैसा ले रहा हूं, दिख रहा है सबको ब्लॉक? यस, लेट सपोज दिस इज ए ब्लॉक, अंदर वाला सेक्शन ये लेता हूं, ठीक। अब यहां पे मान लेते हैं ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, सॉरी एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है यहां पे मान लेते हैं ये है ई, और लेट अस सपोज ये जो ब्लॉक है इसका साइड है ए, तो आपको इसमें से फ्लक्स बताना है। अगर आप देखोगे ब्लॉक को स्लाइड कितनी है, ये है वन इस साइड वाली, ये है टू, ये है थ्री, इसके पीछे वाली फोर, ऊपर वाली फाइव, और ये जो नीचे वाली है वो क्या है सिक्स, ये छह साइड्स है। तो मुझे बताओ इसमें से चार साइड में से फ्लक्स जीरो आने वाला है, कौन कौन से? इसमें से टू फोर फाइव और सिक्स में से जो फ्लक्स आएगा वो जीरो आएगा, कैसे? देखिए ऊपर वाली स्लाइड जो है ये ऐसी है, ठीक है, ऊपर वाली स्लाइड ऐसी, मतलब आई कैन से सरफेस है ना, ऊपर वाली सरफेस ऐसी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी आ रही मेरे तरफ। तो मैंने क्या बताया था, क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या रहेगा, क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर उस दिन मैंने बताया था, अगर एक क्लोज सरफेस है तो इसके लिए एरिया वेक्टर क्या रहता है, अवे रहता है, बताया था उस दिन, अगर नहीं याद आ रहा है तो पिछले वाला लेक्चर देखो, अवे रहता है। तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे इस वाले सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, और इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, एंड व्हेन एंगल इज 90 डिग्री तो फाई कितना आएगा, देखो यहाँ पे फाई विल बी इक्वल टू ई ए कॉस 90 एंड कॉस 90 इज जीरो। तो इस वाले सरफेस में से फ्लक्स कितना आएगा, जीरो। अच्छा फिर इसके पीछे वाला सरफेस लेते हैं अपन, ये वाला देखिए अच्छे से, ये वाला इसके पीछे वाला सरफेस ये दिख रहा है आपको, ये थर्ड सरफेस। अगर थर्ड सरफेस की मैं बात करूँ तो ये सरफेस ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ऐसा है ना, इसको पैरेलल, इसको आप समझ सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी जा रही है। अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ रहेगा, इसके पीछे, क्योंकि ये ऐसा 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 ब्लॉक है, तो ऐसा ऐसे रहेगी ना लाइन्स, तो ये पीछे वाला ब्लॉक है, इसको एक ब्लॉक मान लेते हैं अपन, तो ये पीछे वाला सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ रहेगा, पीछे की तरफ, है ना, अंदर की तरफ नहीं रहता, वो अवे रहता है हमेशा, तो पीछे की तरफ। तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितने का हो गया 90 डिग्री फिर से, तो फिर से आंसर क्या आएगा, जीरो। समझ में आया? अब इसका आगे वाला पोर्शन ले लेते हैं, आगे वाला पोर्शन मान लेते ये है ना ब्लॉक का एक पोर्शन, ये मान लेते और इसका एरिया वेक्टर अवे रहेगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में, एंगल 90, तो फ्लक्स जीरो। नीचे वाला एरिया लेते हैं अपन, ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में, और नीचे वाले एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में, एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना आ गया, जीरो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप बाकी के दो सर्फेसेस देखोगे, जैसे कि फर्स्ट और थर्ड, मतलब क्या हो गया, ये जो सरफेस है फिफ्थ नंबर का, ये थर्ड नंबर का, पीछे का, आगे का और नीचे का, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये चारों सरफेस की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो। बचे हुए दो पोर्शन आगे का और पीछे का, ठीक है। अब अगर मैं पीछे वाले पोर्शन की बात करूँ, यहाँ पे अगर अच्छे से देखोगे आप पीछे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन देखो, ठीक है,
मैं दूसरी स्लाइड पे बताता हूँ। ठीक, ये पीछे वाला पोर्शन ले रहा हूँ मैं, ये साइड वाला है ना, जहाँ से लाइन्स आ रही थी जिसमें इंटर हो रही थी। तो इसका एरिया वेक्टर क्या है, अवे इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा, ई ए कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 इज माइनस वन, ठीक है। तो फ्लक्स कितना आएगा, माइनस ई इंटू ए, ठीक है। और जो आगे वाला एरिया है, इसके जो आगे वाला एरिया रहेगा, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ब्लॉक के आगे वाला एरिया, ठीक है। तो आगे वाले एरिया की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे देखो, यहां पे फिर से एरिया वेक्टर कहाँ आ रहा है, मैं अगर यहां पे एरिया वेक्टर ले लूं, तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है अवे, है ना, ये ऐसा ब्लॉक है अवे, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में जा रही थी, है ना, इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हो बच्चों में, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो एंगल कितना हो गया, फाइ जीरो, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा, सॉरी थीटा जीरो हो गया, तो फ्लक्स देखो कितना आएगा, ई इंटू ए इंटू कॉस जीरो, और वो कितना आ गया, ई ए। और ये कौन सी क्वांटिटी है, फ्लक्स, पिछले लेक्चर में बताया था डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मतलब कौन सी क्वांटिटी, स्केलर, तो फ्लक्स को मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। तो अगर आप अच्छे से देखोगे, इन चारों पोर्शन के वजह से, जो चार पोर्शन थे ब्लॉक के, ये देखिए यहाँ पे फिर से निकालता हूँ डायग्राम में, ये जो चार पोर्शन थे, दो मिनट, ये स्ट्रेट, तो ये जो चार पोर्शन थे, ये वाला पोर्शन, इसके पीछे वाला पोर्शन, ठीक है, इसके पीछे वाला, ये वाला पोर्शन है ना, ये नीचे वाला पोर्शन, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन था, इन सब के वजह से फ्लक्स आ रहा था जीरो। तो बचे कौन कौन से पोर्शन, ये देखो ब्लू कलर में निकाल रहा हूँ मैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो इसका फ्लक्स अपन ने निकाला माइनस ई ए, मैंने बताया था आता हुआ फ्लक्स क्या रहेगा, निगेटिव, और ये जाता हुआ फ्लक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो बाकी चार के वजह से तो जीरो है, और इन दोनों के वजह से क्या है, माइनस ई ए प्लस ई ए, क्या आएगा, जीरो। तो नेट फ्लक्स जो आएगा इसमें, वो कितना आएगा, जीरो। और वैसे भी आप देख सकते हो, अगर आप फंडामेंटल्स आपके क्लियर है ना, आप बिना देखे आंसर बता सकते हो। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी यहां पे, दो मिनट, कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी, और ये सरफेस क्या थी, क्लोज सरफेस थी, दो मिनट, हाँ देखो ऐसी सरफेस थी, दिख रही सबको, ठीक है। और यहां पे अगर देखोगे आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसी आ रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आती हुई, और ये क्लोज सरफेस था, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसी जा रही थी। अब जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसी आएंगी, वैसी जा रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच कितनी रही है, जीरो। तो इसलिए फ्लक्स कितना आ रहा है, जीरो। अगर फंडामेंटल क्लियर है ना, बिना कैलकुलेशन के अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ में आ रही बात। और घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखेंगे अपन इसके ऊपर ना, पूरा पीएचडी कर लेंगे आज। जैसे कि मान लेते हैं ऐसा कुछ, तो भी ऐसा पोर्शन दे दिया आपको, ठीक है, और इसका जो शेप है ना, वो है सर्कुलर। जैसे ऐसा पोर्शन आपने देखा होगा, टोपी, बंदर की टोपी रहती है ना, जो अपन विंटर में पहनते हैं, ठीक है, विंटर की तो बहुत याद आ रही होगी, क्योंकि भाई पूरी गर्मी हो रही है, आप देख रहे हो इस रूम में इतना हीटअप हो रहा है, लेकिन चलो स्टूडेंट के लिए करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे, यह है एरिया, सर्कुलर एरिया है, और इसमें मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स बताइए क्या रहेगा, आपको पता है फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ पे करना क्या पड़ेगा आपको, एक तो आप ई ए ऐसा एरिया लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल रहे। अगर ऐसा एरिया मैंने पैरेलल ले लिया, तो एंगल कितना बन गया एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में, जीरो। तो बाकी एरिया लेने की जरूरत ही नहीं अपने को, ठीक है। तो मुझे बताओ, जो एरिया वेक्टर इसको पैरेलल रहेगा, है ना, ये एरिया है, जो एरिया वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल, तो इसका एरिया वेक्टर क्या ऐसा आएगा, इस सर्कुलर शेप का। इसका प्रोजेक्टेड एरिया कैसे लोगे आप, है ना, यहाँ पे अगर आप लाइट डालोगे, टॉर्च डालोगे, तो
तो इसकी शैडो कैसे आएगी, ऐसी इस टोपी की शैडो कैसे आएगी, ऐसी सर्कुलर आएगी, राइट, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है, जीरो। तो आपको डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ई इंटू ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगी डी ए का इंटीग्रेशन ए, तो यहाँ पे रहेगा कॉस थीटा, और थीटा कितना आ रहा है 180 डिग्री, तो ई ए कॉस 180, तो ये कितना आएगा माइनस ई ए। ठीक है, और एरिया कितना है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, तो ये भी आप लगे हाथ लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो फ्लक्स आएगा वो आएगा माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चाहे एरिया इसकी जगह कुछ भी दे दो, अगर यहाँ पे सर्कल है मान लेते हैं, ऐसा कुछ एरिया, ऐसा 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 कुछ एरिया दे दिया, है ना, ऐसा कुछ एरिया दे दिया, ठीक है, तो यहाँ से आपको बस ये वाला वो वाला एरिया लेना है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को क्या रहे, पैरेलल या एंटी पैरेलल, एरिया वेक्टर। तो आपको पता है अगर मैं टॉर्च डालूँ तो ये सर्कल आएगा प्रोजेक्टेड एरिया, तो बस आपको प्रोजेक्टेड एरिया लेना है, दैट्स इट। ओके, जैसे कि मान लेते ऐसा घुमा भी सकते हैं, जैसे कि ऐसा कुछ दे दिया आपको प्रॉब्लम, ऐसा ऐसा दे दिया, तो ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको अगर परपेंडिकुलर आ रही है तो आपको एरिया कौन सा लेना पड़ेगा, इसको पैरेलल। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो जो एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पैरेलल या एंटी पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है, तो वो वाला एरिया आपको लेना है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, चाहे एरिया कुछ भी रहे, कैसा भी शेप रहे, ठीक है, जो प्रोजेक्टेड एरिया वो लेना है आपको। और एक क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, जैसे कि मान लेते मैं अगर यहाँ पे ले लूँ, दो मिनट, है ना, यहाँ पे अगर आपको देना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि सपोज यहाँ पे कोन है, ठीक है, दिस इज ए कोन, और इस कोन में से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो इस कोन को अगर आप देखोगे, इस कोन की अगर मैं शैडो इसके ऊपर टॉर्च डालूँ, तो इमेजिन कीजिए कैसा शेप आएगा, एक ट्रायंगुलर शेप आएगा, यस और नो? और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगी इस ट्रायंगुलर शेप को क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, और ट्रायंगल का एरिया आपको पता है हाइट इनटू बेस, तो इसका एरिया क्या रहता है बेटा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, दैट्स इट। तो एरिया आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता है, और एरिया हमेशा इसको, और इसका एरिया वेक्टर क्या रहेगा, एरिया वेक्टर क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, या फिर वैसा ले लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ओपन सर्फेस है, तो यहाँ से आप इस साइड ले सकते हो या फिर इस साइड, तो ये कॉस जीरो रहेगा या फिर ये कॉस 180 रहेगा, अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। तो और एरिया आपको पता है ट्रायंगल का क्या रहता है, हाफ ऑफ बेस इनटू, मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एरिया का शेप जो परपेंडिकुलर है वही लेना है अपने को। क्यों? अगर मैंने परपेंडिकुलर ले लिया वो जो शेप है, तो उसको एरिया वेक्टर क्या रहेगा, उसको परपेंडिकुलर रहेगा उस शेप को, तो वो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रहेगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो एंगल क्या आएगा, एक तो कॉस जीरो आएगा या फिर कॉस 180 आएगा, तो कॉस जीरो रहेगा तो वन, कॉस इन 180 रहेगा तो माइनस वन, तो अपनी कैलकुलेशंस आसान जाएगा, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग दिस। ओके, ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा वाला। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे, ठीक है, एक सेमी इनफाइनाइट वायर ले लूँ, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर ले लूँ, और यहाँ पे ऐसी एक रिंग ले लो, ठीक है, यहाँ पे एक मैंने रिंग ले ली, और यहाँ पे एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, मैंने अगर पूछा इस रिंग में से कितना फ्लक्स पास होगा, और सपोज लैम्बडा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन दिस सेमी इनफाइनाइट रिंग। इसके लिए बस थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, रिंग के वजह से किसी भी आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो पता होना चाहिए। अगर आप देखोगे इस सेमी इन्फाइनाइट के वजह से, रिंग के वजह से, सेमी इन्फाइनाइट रिंग के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो मैं बता देता हूँ आपको कितनी रहती है, वो रहती है k लैम्बडा बाय आर, ठीक है, के लैम्बडा बाय आर, वेयर आर इज व्हाट, डिस्टेंस वेयर वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक वायर ले लूँ, यहाँ से आर डिस्टेंस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डायरेक्शन में, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, के लैम्बडा बाय आर, ठीक है। अब आपको पता है बेटा आर जो है हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रही है तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, एंड इफ देयर इज अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड सो आई विल हैव टू इंटीग्रेट इट, ठीक है। तो आपको पता है फ्लक्स क्या रहता है बच्चों, फ्लक्स इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो यहाँ पे
फ्लक्स सेम है क्या हर पॉइंट पे? नहीं नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा डी आर थिकनेस का, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, ठीक है, ये एलिमेंट ले लिया मैंने, ठीक है, तो इसके वजह से फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, के लैम्बडा बाय आर, और ये रहेगा डी आर, और इनके बीच में एंगल क्या रहेगा, अगर आप देखोगे डी ए, सॉरी जस्ट वेट, के लैम्बडा बाय आर, और डी ए क्या रहेगा, इस रिंग में से मुझे फ्लक्स निकालना है, इस रिंग का एरिया कितना रहेगा, 2 पाई आर इंटू इसका थिकनेस कितना है डी आर, सो इसका एरिया रहेगा 2 पाई आर इंटू डी आर, और इनके बीच में एंगल कितना है बच्चों, जीरो, क्यों, क्योंकि ये रिंग है इसका, तो ये प्लेनर सरफेस है, तो प्लेनर सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा, तो एक तो एंगल जीरो रह सकता है या फिर 180 रह, तो मैंने जीरो ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में देखो क्या, कॉस जीरो इज वन, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, के लैम्बडा बाय आर इंटू टू पाई आर इंटू डी आर, यहाँ पे अगर देखोगे अच्छे से के और लैम्बडा क्या है, कॉन्स्टेंट, साथ में टू पाई भी कॉन्स्टेंट है, तो मैं बाहर लेके आ सकता हूँ इंटीग्रेशन के, और ये आर आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, आर आर गेट कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा क्या डी आर, और डी आर कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी हो रहा है, जीरो से लेके कैपिटल आर, ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू के लैम्बडा टू पाई आर डी आर का इंटीग्रेशन आर जीरो टू आर, राइट, वेरी हो रहा है, तो रख दो लिमिट्स, तो यहाँ पे आएगा के लैम्बडा इंटू टू पाई आर माइनस जीरो, तो आंसर आ जाएगा के लैम्बडा इंटू टू पाई इंटू आर, यस और नो, हाँ, सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट रिंग, अगर आप देखोगे हर पॉइंट पे जो आर हो रहा है वो चेंज हो रहा है, इसलिए अपने को इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, अपन डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं लेके आ सकते, ये टिपिकल क्वेश्चन हो गया नीट वाले बच्चों के लिए, लेकिन जेई में आप ये क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, सो यही सब चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी रिगार्डिंग फ्लक्स, अब फ्लक्स की कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गॉस लॉ हो गया, गॉस लॉ अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं वो भी अपन अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, आई होप आपको कैसे अप्लाई करना है फ्लक्स का फॉर्मूला ये समझ में आया होगा, और साथ में और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि वन शॉट वीडियो में लेके आऊँ, ताकि पूरा लेक्चर एक ही वीडियो में कवर हो जाए, उसको टाइम लगेगा लेकिन डेफिनेटली वो सीरीज़ में लेके आने वाला हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जिन किसी को भी इसकी ज़रूरत है प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छे नॉलेज की ज़रूरत है, थैंक यू।